स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। यस, अपनी तरह का एक अनूठा प्रयास जिसमें हम आपको आपके सपनों की तरफ ले जाने में मदद करेंगे थ्रू आवर वीडियोस एंड लॉट ऑफ ऑनलाइन टूल्स। यस, दिस इज दीपक बजाज, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ब्रेक थ्रू ट्रेनर। अभी पीछे किसी ने मुझसे पूछा, व्हाट इज ब्रेक थ्रू ट्रेनर? सो ब्रेक थ्रू इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी में जो भी रुकावट, जो भी मुश्किल आए, उसको चीरते हुए, तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए आगे बढ़ जाइए आप, राइट? वैसी ट्रेनिंग्स मैं देता हूँ, राइट? चलिए, अब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज लाखों लोगों को बहुत क्लोजली देखने के बाद महसूस की है। लोग इस बिजनेस के शुरुआती 3-4 हफ्तों में बहुत सारे लोग इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, और लोग इस बिजनेस से इस वजह से बाहर नहीं हो जाते कि कुछ लोगों ने उन्हें ना बोल दिया, बल्कि अधिकांश लोग इस बिजनेस से इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी है, राइट? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप एक नेवर एंडिंग ऑन गोइंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, राइट? सो अगर आप तैयार हैं तो हम इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एक के बाद एक कमाल के टॉपिक्स लेकर आएंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी क्या है, व्हाई आई चोज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हमें अपने करियर में आगे जाने के लिए, लाइफ में जीतने के लिए तैयार करने की एक जगह है, राइट? एक यूनिवर्सिटी हम में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड कर ली, और उस यूनिवर्सिटी की डिग्री, एजुकेशन हमें जहां पहुंचा सकती थी उसने पहुंचा दिया हमें, राइट? लेकिन अगर आप जिंदगी में और आगे जाना चाहते हैं तो थोड़ी और एजुकेशन चाहिए, और एक और जगह आपको चाहिए, एक और यूनिवर्सिटी चाहिए जो आपकी मदद करे आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसके लिए मैंने 15 साल के मेरे एक्सपीरियंस से 6 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग कोचिंग देने के बाद आज आपकी मदद के लिए बनाया है दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। और इस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। अभी आप जो देख रहे हैं वो है दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास, राइट? इस क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक अ बिग लिस्ट, हाउ टू मेक ए नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, एक ऐसी बड़ी लिस्ट जो कभी ना खत्म हो, ऐसी लिस्ट हम किस तरह से बनाएं, राइट? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं 10 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है एक बड़ी लिस्ट बनाने के लिए। और ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, आप इंश्योरेंस की सेल्स में है, रियल एस्टेट सेल्स में है, आप कहीं भी कुछ भी बेचना चाहते हैं और आप एक प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आपको कमाल की मदद करेगा। सो इफ यू आर रेडी, लेट अस क्विकली डिस्कस 1 by 1 10 keys ऑफ मेकिंग नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स की बड़ी लिस्ट बनाने के लिए पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है इंक्लूड एवरीवन, सबको शामिल करिए। मालूम नहीं वो बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा, मालूम नहीं वो आपको अपॉइंटमेंट देगा या नहीं देगा, मालूम नहीं, शायद मैं आपको बोलूंगा तब कॉल करिएगा, शायद आपको और हमें कॉल करने की जरूरत भी ना पड़े, बट यू शुड एड देयर नेम टू योर लिस्ट, राइट? आपका एटीट्यूड पता क्या रहना चाहिए, होल वर्ल्ड इज माई मार्केट, पूरी जो दुनिया है ना ये सब मेरी मार्केट और मेरी टीम का हिस्सा है और मुझे सबका नाम लिखना है। डोंट लीव एनीबडी, राइट? हर वो इंसान जिसको आप जानते हैं उसका नाम आपकी लिस्ट में आना चाहिए। बस याद सिर्फ एक ही रखिएगा कि ना सिर्फ आप उनको जानते हो, वो भी आपको जानते हो। लाइक आप लिख सकते हैं शाहरुख खान अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान अमिताभ बच्चन को आप तो जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते, तो लिस्ट में उन्हीं लोगों को रखिएगा जो आपको जानते हैं और आप उन्हें जानते हैं। आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑफिस के कुलीग्स, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, अगर आपने आज से पहले कुछ 2-3-4 जगहों पे जॉब किया है तो वो सारे पुराने कुलीग्स और रोजमर्रा में जो भी लोग आपको मिलते हैं, आपका दूध वाला, आपका केमिस्ट, आपका टेलर, बच्चों के स्कूल के टीचर, म्यूजिक टीचर, जहां जहां भी आप लोगों से मिलते हैं, पहली चीज आप याद रखिए, इंक्लूड एवरीवन, सबको इस लिस्ट में जोड़िए, राइट? सबके नाम एक बार लिस्ट में लिख दीजिए। लेकिन मानिए, शायद बहुत सारे लोगों को हम प्लान नहीं दिखाएंगे, लेकिन मेरे कहने से इस लिस्ट में सभी का नाम आना चाहिए। इस एटीट्यूड के साथ लिस्ट को शुरू करें, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, नाउ ये मैंने बोल दिया, ये आपने सुन लिया, ये मुझे भी मेरे सीनियर्स ने बोला और मैंने भी ये सुन लिया, लेकिन मैं हिला नहीं और मैंने लिस्ट नहीं बनाई। मेरी जिंदगी में एक छोटा सा परिवर्तन हुआ, उसके बाद मैंने फिर हजारों लोगों की लिस्ट बना ली और आज तक मैं नहीं रुका, राइट? लेकिन हम लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं? आपको भी आपके सीनियर्स ने बोला, आप भी किसी के सीनियर हैं, आप भी उसको बोलते हैं लिस्ट बना ले, लेकिन वो बनाता क्यों नहीं है? देखिए, हम जब लिस्ट में किसी का नाम जोड़ रहे हैं ना, लिख रहे हैं, तो हमें लग रहा है हम उसको सामान बेचेंगे। अब इट्स कॉल्ड सेलिंग।
और जब आप सेलिंग अपने माइंड में सोचते हैं ना, तो आपके माइंड में कुछ अलग तरह की इमेजेस आती हैं। मे बी रियल एस्टेट के सेल्समैन, इंश्योरेंस के सेल्समैन, या कुछ और सेल्समैन जो पीछे पड़ जाते हैं, राइट, या जो आपके दरवाजे नॉक करते हैं, उस तरह की फोटोज आपके दिमाग में आती हैं और आपको लगता है यार मुझे सेलिंग नहीं करनी, मेरे बारे में वो लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं या नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा फोन उठाना ही बंद कर देंगे। नो, वी हैव ऑल दिस बैगेजेस। किसी शख्स ने मुझे बहुत समय पहले, 2007 की बात आपको बोलता हूँ, मैं सेल्स के बिजनेस में नया नया था और शायद महीना दो महीना हुए थे मुझे या कुछ हफ्ते शायद, उन्होंने मुझे क्या बोला, दीपक अगर भगवान ने तुम्हें कोई कमाल की चीज़ देने के लिए चुना है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसको अपने तक रखने का। अगर भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में एक ब्लेसिंग दी है, एक कमाल की अपॉर्चुनिटी दी है, तो तुम्हारा फर्ज है उस खुशी को लोगों से बांटो। जब मैं छोटा था तो मेरी नानी बोलती थी बांटने से खुशियां दुगनी होती हैं, बांटने से खुशियां दुगनी होती हैं। राइट, मेरे घर पे पांच बच्चे हैं और उन पांचों बच्चों को मैं सुबह से शाम क्या सिखाता रहता हूँ, मेरी वाइफ क्या सिखाती है उन्हें, शेयरिंग इज ए गुड हैबिट, शेयरिंग इज ए गुड हैबिट, मिल के रहो, साथ में बांटो। और अगर हम एप्पल बांट सकते हैं, मिठाइयाँ बांट सकते हैं, दारू अल्कोहल की बॉटल, अभी अकेले कोई नहीं पीता यार, उसको बांट के पीते हैं हम लोग, और जितने ज़्यादा लोग उस अल्कोहल की पार्टी में होते हैं ना, उस विस्की की पार्टी में होते हैं, उतना ज़्यादा आनंद आता है। राइट, तो जब बाकी सारी चीज़ें दुनिया में बांट सकते हैं हम लोग सब लोगों के साथ, तो क्यों ना ये दुनिया की सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आदमी की ज़िंदगी में परिवर्तन कर सकती है, सात पीढ़ियों में जो उनके खानदान में नहीं हुआ वो आप करवा सकते हैं अगले छः महीनों में, सात साल के अंदर अंदर में। राइट, परिवार को जोड़ सकते हैं आप, उनके परिवार से फाइनेंशियल जो ये पैसे का क्रंच है, एडजस्टमेंट है, कंप्रोमाइजेज हैं, ये सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जब आपके पास इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी है जो उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, तो क्यों ना उसके साथ बांटा जाए। राइट, तो जिस दिन मैंने मेरी एटीट्यूड को सेलिंग से शेयरिंग में बदल दिया, उस दिन मेरी लिस्ट अनलिमिटेड हो गई। तो आप लोगों को सेल करने के लिए, बेचने के लिए जाएंगे उस एटीट्यूड से मत जाइए, आप लोगों से बांटने के लिए जाएंगे, शेयर करने के लिए जाएंगे, इस एटीट्यूड से जाइए। अपने एटीट्यूड को सेलिंग से शेयरिंग में बदलिए, और अगर हो पाए तो एक और काम करिए, हम सेलिंग भी नहीं कर रहे, हम शेयरिंग भी नहीं कर रहे, हम तो सेवा कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं उनके सपनों तक पहुंचने के लिए। सो चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग एंड देन शेयरिंग टू सर्विस, सर्विंग देम, सेवा करना। और जब जैसे जैसे आपके एटीट्यूड में ये शेयरिंग और सर्विंग का भाव आता जाएगा, आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। तो दूसरी चीज, अपने एटीट्यूड को सेलिंग से शेयरिंग और शेयरिंग से सर्विस में बदल दीजिए। नंबर तीन है, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाइए। एक बहुत बड़ा बॉटलनेक मैंने लोगों के साथ में देखा है, बहुत बड़ा बिलीफ, एक रॉन्ग बिलीफ, मालूम क्या, सर मुझे सब याद है, आजकल लिस्ट कौन बनाता है, मेरे तो मोबाइल में सब कुछ है। लिस्ट कागज पे बनाने की, डायरी में बनाने की क्या जरूरत है, जब पड़ेगी मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल में से चल पड़ेंगे। देखिए, दो तीन कारण हैं इस छोटे से वीडियो में, तो मैं शायद सारे कारण आपको नहीं बता पाऊंगा, बट एक बात मेरी गांठ बांध के रखिएगा, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाइए। राइट, आप चाहें तो मैं आपको इतनी छूट दे सकता हूँ, अपने आईपैड में या मोबाइल की कोई ऐप है तो उसमें आप बना सकते हैं, नोट सेक्शन में बना सकते हैं, बट वी नीड टू गेट डाउन। राइट, हमारे जो दिमाग में जो नाम है ना, इनको हम खाली करना चाहते हैं। मुझे किसी बुजुर्ग ने एक बार समझाया था, वन स्मॉल पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी, एक छोटी सी पेंसिल, एक छोटी सी कलम एक बहुत लंबी याददाश्त से कहीं ज़्यादा बेटर है। राइट, सो लिस्ट को डायरी पेन के साथ में बनाइए और एक परमानेंट डायरी रखिए, खूबसूरत सी एक डायरी रखिए, और उसके अंदर सारे नामों को लगातार, नाम, मोबाइल नंबर, प्लेस, नेम, मोबाइल नंबर, प्लेस, ये तीन चीजें हमें चाहिए, इन तीनों के साथ में ऐड करते चले जाइए। नंबर चार आपको बोलूंगा, और ये कमाल का है, लुक फॉर हाई ड्रीमर्स, बिगर ड्रीमर्स देन यू। इस बिजनेस में हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिंदगी में कुछ कमाल करना चाहते हैं, जिनके बड़े सपने हैं, जो मेहनत करने से डरते नहीं है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। राइट, सो ऑलवेज लुक फॉर हाई ड्रीमर्स, बड़े सपने देखने वाले लोगों को खोजिए। राइट, कई बार हमें कंफर्ट क्या हो जाता है, थोड़ा सा, जो कि जो बड़े सपने देखेगा ना वो फिर बड़ी बड़ी बातें करेगा, आपको भी कुछ ऐसे काम करने को कहेगा जो करने में आप भी शायद उतने कंफर्टेबल नहीं है, तो हमारा कंफर्ट किस में होता है, उसको ढूंढ लो यार जो हमसे भी नीचे का हो। राइट, हमारे से भी कम सपने वाला हो, ना वो खुद दुखी होगा ना हमें दुखी करेगा। राइट, बट बिजनेस को आगे नहीं लेके जाएगा वो। लुक फॉर पीपल हु आर हाई ड्रीमर्स, बिगर ड्रीमर्स देन यू। नंबर फाइव, आप
आप और आपकी वाइफ साथ मिलकर लिस्ट बनाएं, आप और आपके हस्बैंड साथ मिलकर लिस्ट बनाएं, फैमिली शुड मेक लिस्ट टुगेदर, हस्बैंड एंड वाइफ स्पाउसेस शुड मेक लिस्ट टुगेदर, ब्रदर एंड सिस्टर शुड कम टुगेदर। आप सिंगल हैं तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, आप और पापा, आप और मामा मिलकर लिस्ट बनाइए, राइट। जब आप लिस्ट मिलकर बनाते हैं ना तो बहुत सारे नाम हमें याद आने लग जाते हैं, एक नाम आएगा उसके साथ कई नाम और जुड़ के साथ में आ जाएंगे। आपको एक फोटो याद आएगी, यार उसका नाम याद नहीं आ रहा कौन था वो, वाइफ आपकी तुरंत बता देंगे अरे यार वो था। आपको याद नहीं आ रहा उसकी सहेली का नाम क्या था, आपके हस्बैंड बोल देंगे तेरी वो वाली सहेली की उस सहेली का ये वाला नाम था। तो व्हेन यू मेक ए लिस्ट टुगेदर, लिस्ट बड़ी बनती है, जल्दी बनती है और बहुत सारे और नाम आप उसमें जोड़ते चले जाते हैं। और एक बड़ी सी कमाल की बेहतरीन हमेशा बढ़ने वाली लिस्ट बनाने के लिए नंबर 6 जो आपको याद रखना है वो बहुत सिंपल है, डोंट प्री जज पीपल एट द टाइम ऑफ मेकिंग लिस्ट। मैंने ये बहुत लोगों में देखा है, राइट। यू नो मोस्ट ऑफ अस आर जजमेंटल, हम लोग ना बहुत जल्दी में होते हैं लोगों को जज करने की, और हम बहुत सारे लोग ना अपने आप को लाइक भाग्य विधाता टाइप समझने लगते हैं, भगवान बनने लगते हैं कि सर वो तो काम नहीं करेगा, सर उसका तो एटीट्यूड नेगेटिव ही बहुत है, सर उसके पास तो पैसे नहीं है शुरू करने के, सर वो सर उसके पास तो पैसे ही बहुत हैं, सर वो बोलता बहुत ज़्यादा है वो बोलता बहुत कम है, सर उसकी तो पढ़ाई थोड़ी कम है उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। अरे यार आप मत डिसाइड करो। मेरा एक गांठ बांध के एक रूल आपको बताता हूं, गांठ बांध के याद रख लीजिएगा, जिंदगी में कभी इस बिजनेस में आप पीछे नहीं मुड़के देखेंगे। वो क्या मालूम, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग। हम जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, राइट। एंड हमें नहीं मालूम कि कौन क्या ढूंढ रहा है, राइट। वी नेवर नो दिस, राइट। किसी के माथे पे नहीं लिखा है ही इज एन एम्बिशियस, ही इज लुकिंग फॉर समबडी, नो, राइट। सो हर किसी का स्वागत है, सभी को आप बिजनेस में लेकर आइए, आप मत डिसाइड करो वो करेगा या नहीं करेगा। आपका फर्ज है 2, नंबर 1 उसका नाम लिस्ट में रखना, और नंबर 2 जब समय सही हो तो उसको प्लान दिखाना, मैटर ओवर, राइट। तो नंबर 6 इज नेवर प्री जज पीपल एट द टाइम ऑफ मेकिंग लिस्ट। नंबर 7 इज एन आवर ऑफ पावर, एक ऐसा घंटा जो आपको खूब सारी ताकत देगा। तो उस घंटे में आपको अब करना क्या है, बी इन ए रिसोर्सफुल स्टेट, बोले भाई कमाल का बढ़िया काम करने का मूड बनाइए, और मोबाइल को करिए नॉट साइलेंट, नॉट स्विच ऑफ, एरोप्लेन मोड में, राइट। आपको फोन आ ना सके लेकिन मोबाइल का हमें काम आएगा, हमें लिस्ट देखनी है, फोन बुक देखनी है, राइट। तो मोबाइल को एरोप्लेन मोड में करके आप एक अच्छे से मूड के साथ, चाहिए तो चाय कॉफी साथ में पकड़िए, एंड जस्ट सिट डाउन एंड मेक लिस्ट। कम से कम 500 लिस्ट के अंदर में नाम आएंगे तो आप उठेंगे, ऐसे उद्देश्य के साथ, ऐसी इंटेंशन और ऐसी नियत सेट करने के साथ, और भगवान से ऐसी बातचीत करने के बाद यू शुड स्टार्ट। और हमारा माइंड है ना ये कमाल से काम करता है, इट वर्क्स विद पावर ऑफ एसोसिएशन। हम आपको याद है जब हम ABCD पढ़ते थे छोटे थे ना, जब तो ABCDEFGHIJKL हम टेबल से पहाड़े याद करते थे, दो दुनी दो, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, लाइक दैट करके। और अचानक बीच में से कोई पूछ लेना 2 × 5 तो हम यू नो एक सेकंड के लिए रुक जाते थे, ए के बाद क्या आता है हम बता सकते हैं लाइक, लेकिन एन के बाद एम, एम के बाद पहले, ये सब करने में हम रुक जाते थे। क्यों? बिकॉज हमारा माइंड चीजों को एक साथ याद रखता है। राम को याद करेंगे तो सीता और लक्ष्मण साथ आएंगे, कृष्ण को याद करेंगे तो बलराम साथ आएंगे, इसको एसोसिएशन। तो आप एक काम करिएगा, जब आप लिस्ट बनाने बैठे हैं तो एक से शुरू करिए, बोले तो class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लाइक दैट, एक सीक्वेंस में एसोसिएशन से याद, या फिर पीछे चल पड़िए, आप अभी कहाँ जॉब करते हैं उससे पहले वाली जॉब, उससे पहले वाली जॉब, उससे पहले की पढ़ाई, उससे पहले की पढ़ाई, उससे पहले, तो एक लाइन में एसोसिएशन के साथ लगातार लिस्ट बनाते चले जाइए, राइट। सो वी कॉल इट एन आवर ऑफ पावर। उस समय में आपका सिर्फ एक ही मकसद है, वो क्या, इस समय सिर्फ लिस्ट बनाते जाना है, नामों को ऐड करते चले जाना है बस। नाउ नंबर 8 इज वेरी पावरफुल, इट्स कॉल्ड एक्सपैंड योर लिस्ट। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हमारा पर्पस क्या है, हम अपनी लिस्ट को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, 10x करना चाहते हैं। मान लो आपने 500 की लिस्ट बनाई, नाउ वर्क ऑन एक्सपेंडिंग योर लिस्ट, इस लिस्ट को बढ़ाने का काम शुरू करिए, और 10 गुना हमने इस लिस्ट को बढ़ाना है। अब आप ना कभी भी देखिए, मैंने आपसे बात की अभी, अगर आप राम को सोचेंगे तो लक्ष्मण साथ में आएंगे, अगर आप कृष्ण को सोचेंगे तो बलराम भी साथ में दिखेंगे। लेकिन जब मैंने कृष्ण और बलराम बोले, क्या आपको सुदामा दिख रहा है और कुछ और ग्वाल बाल दिख रहे हैं, क्या आपको वो उनका वो गोकुल के आसपास का इलाका भी नजर आ रहा है, राइट। हमारा माइंड ऐसे ही चलता है। आप अगर अपने मामा के बारे में सोचेंगे तो अपने मामा के खास 3 दोस्त आपको जरूर याद आएंगे जो हमेशा आपके मामा के साथ थे। अगर आप अपनी एक आंटी के बारे में सोचेंगे तो आपकी आंटी की एक सहेली आपको जरूर याद आएगी जो आंटी के साथ हमेशा होती थी, अब उनका नाम लिखिए।
और अगर एक नाम अभी तक आपने जो लिस्ट में लिखा है, अगर आप उसके साथ में 10 नाम और लिख सकते हैं तो अपने लिस्ट बॉस 10 गुना बढ़ेगी। तो अगर आपकी लिस्ट 500 की थी तो अब आपकी लिस्ट 5000 की हो जाएगी। हो सकता है आपको 10 गुना पे भरोसा ना हो, 4 पे होता है, तो आपकी लिस्ट अगर अब तक 500 की बन गई तो 500 गुना में 4, अब हमारी लिस्ट 2000 तक हम बढ़ा सकते हैं। और आपको एक हमेशा बढ़ने वाली कमाल की लिस्ट के लिए अब मैं आपको एक नौवां पॉइंट बता रहा हूं, और ये नौवीं चीज कमाल की है। अगर आप इसको पकड़ गए तो आपकी लिस्ट जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी, राइट? वो क्या है? यूज टूल्स, यूज प्रॉम्प्टर्स। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप लोग, राइट? उन लोगों का इस्तेमाल करिए। आपके फेसबुक पे इतने सारे लोग आपके साथ में हैं, आप बहुत सारी संस्थाओं का हिस्सा होंगे, राइट? बहुत सारी वॉलंटरी और सम आपकी सोसाइटी की RWA हो सकती है, कोई रोटरी क्लब हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिनका आप हिस्सा हैं, राइट? यूज दैट, राइट? यूज दैट ऑल्सो टू एक्सपैंड योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को बड़ा करने के लिए। उन सब का पुरानी फोटो एल्बम्स निकाल लीजिए, स्कूल वाली, कॉलेज वाली, उन सब का इस्तेमाल करिए ताकि आपकी लिस्ट एक बड़ी लिस्ट बन सके। और लास्ट एंड दैट इज पॉइंट नंबर 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिस्ट को सीधा कई गुना बढ़ा देगी। आपकी टीम में जितने भी एसोसिएट्स आए, हर एक नए एसोसिएट को विदिन 7 डेज लिस्ट बनवाइए। लिस्ट बनाने के लिए कहिए मत, उनके साथ बैठिए, लिस्ट बनाइए, हो सके तो अपनी डायरी में बना लीजिए बॉस, राइट? डोंट टेल देम, पीपल विल नॉट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, पीपल विल डू व्हाट यू डू। सिट विद देम, मेक अ लिस्ट। आपकी टीम में एक थंब रूल बना लीजिए, जो भी बिजनेस में आएगा 7 दिन के अंदर आप उसके साथ उसकी लिस्ट बनवाएंगे, मैटर ओवर। और हो सकता है कुछ लोग लिस्ट बनाने से कतराएंगे, हेजिटेट करेंगे, राइट? उन्हें लगता है पता नहीं बनाए ना बनाए, डरते हैं। उन्हें प्रोग्राम्स में लेकर जाइए, आप उनके ड्रॉइंग रूम में आप मत समझाइए उनको, उनको सीनियर्स समझाने दीजिए। टेक देम टू द इवेंट, टेक देम टू द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में जाएंगे, वहां कोई सीनियर उन्हें जब समझाएगा ना तो उन्हें बात बन जाएगी। एंड वन प्रोग्राम यू नो कैन बिल्ड देयर फेथ लाइक एनीथिंग। और वापस आके आप देखिएगा, वो इंसान जो बोल रहा था मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा ना, वो कैसे फर्राटे से आपको लिस्ट बना के देगा, राइट? सो नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे, ऑल योर एसोसिएट्स, उनको आप बताइए, समझाइए कि वो भी अपनी लिस्ट बनाएं। और सिर्फ बताना नहीं, सिर्फ समझाना नहीं, उनके साथ पहले 7 दिन के अंदर एक बड़ी सारी लिस्ट आप बैठकर बनवाइए। कांग्रेचुलेशंस, अगर आप इस वीडियो में अब तक हैं तो आपको बधाई देता हूं मैं, आप अपने करियर के लिए सीरियस हैं इसीलिए अब तक आप यहां पे हैं। और जो कुछ आपने सीखा वो है दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का कुरिकुलम एंड सिलेबस, राइट? और हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं आपको आपके सपनों की तरफ बढ़ाने के लिए। हम अपनी तरफ से जो जो दे सकते हैं वो सब चीजें हम आपको इस दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में मुहैया कराएंगे, राइट? हर हफ्ते हम लोग इस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में कुछ कमाल के टॉपिक्स पे वीडियोस आपको देंगे जो आपके करियर को, आपकी लाइफ को एक अलग तरह की गति और अलग तरह की दिशा दे सकते हैं, राइट? तो आप इन वीडियोस में बने रहें, अपनी टीम के साथ इनको शेयर करें। जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते थे ना तो वहां बोलते थे अटेंडेंस इज कंपलसरी, इतना परसेंट अटेंडेंस होना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपका यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं हूं, मैं आपके कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं हूं, लेकिन मैं आपका दोस्त हूं और आपका शुभचिंतक हूं, और दिल से एक चीज चाहता हूं, राइट, कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें। और मुझे मालूम है आप यूनिवर्सिटी बंक करते होंगे, आप कॉलेज बंक करते होंगे, लेकिन दीपक बजाज की क्लास आप बंक नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैं दे रहा हूं वो पिछले 15 साल के मेरे तजुर्बे से लाखों लोगों के साथ काम करके मैंने बनाया है। तो इस यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट बनिए, मेरे सारे वीडियोस को फेसबुक पे, यूट्यूब पे लगातार देखते रहें, राइट? इनको शेयर करते रहें, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, राइट? तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। आपकी टीम के हर डिस्ट्रीब्यूटर के मोबाइल में ये वीडियो रहने चाहिए, दिखने चाहिए। आपके लिए मैं आपके मोबाइल में एक ट्रेनिंग एकेडमी खोलने वाला हूं, और आप खाली उसके साथ बने रहिए, राइट? आपकी टीम में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक चलता फिरता ट्रेनिंग स्कूल बनेगा, ऐसा मेरा प्रयास है। हमारे देश को, हमारी दुनिया को कमाल के कुछ लोगों की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज अपना काम कर रही हैं, आप और मैं मिलकर इस दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में लोगों के सपनों तक पहुंचाने का रास्ता बनाएंगे, राइट? सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, अपने कमेंट्स डालते रहिए। आपको और क्या क्या चीजें हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग यूनिवर्सिटी में या दीपक बजाज ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में और चाहिए, हम वो सारी चीजें आपको लाके देंगे। और
एक और चीज मेरी तरफ से खास, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर से इंटरेस्टेड हैं तो एक किताब का नाम आपको बताता हूं, आप खाली उस एक किताब को फॉलो कर लीजिएगा। और मैं भी जो आपको बता रहा हूं वो सब कुछ उस किताब के अंदर में ऑलरेडी है। किताब का नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, राइट, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। अमेजोन पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, बहुत सारे बुक स्टोर्स पे उपलब्ध है, और वो एक किताब आप मानिए ग्रंथ के जैसा है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, किसी भी तरह की सेल्स और एंटरप्रेन्योरशिप में वो किताब कमाल का काम करेगी। ए टू जेड आपको जो जो कुछ जानकारी चाहिए वो सब का सब आपको उस बुक में मिलेगा। अगर आपने या आपकी टीम में किसी और सदस्य ने अब तक वो किताब नहीं खरीदी है, देन यू मस्ट गेट इट राइट नाउ राइट हियर। इट दिस बुक विल गिव यू 10x स्पीड, राइट। एंड यूनिवर्सिटी की बात हमने कर ली, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल दीपक बजाज को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू इट राइट अवे माय डियर फ्रेंड्स, ताकि इस यूनिवर्सिटी में लाइफ चेंजिंग वीडियोस जो हम डालें आपको वो तुरंत पहुंच जाए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दिल से बोलता हूं आपको, मैं आपका प्रोफेसर नहीं हूं, मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपका डीन नहीं हूं, मैं आपका चांसलर नहीं हूं, वाइस चांसलर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक हूं, मैं आपका दोस्त हूं और आपकी कामयाबी के लिए आपका पार्टनर हूं, और हम दोनों मिलकर कामयाबी की बुलंदियां छुएंगे और हम अपने और अपने चारों तरफ एक कमाल की मिसाल पैदा करेंगे, मिसाल बनेंगे, ऐसा काम हम मिलकर करेंगे। गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस चैनल दिस लाइक रॉक सॉलिड ग्रोइंग चैनल। वी विल डू वंडर्स टुगेदर। गॉड ब्लेस यू।